नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर तीन मेमोरी कार्ड देख रहे हो, साथ में एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। और दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये वाला जो मेरे हाथ में मेमोरी कार्ड है 8 MB का प्लेस्टेशन 2 का, ये लोकल मेमोरी कार्ड मुझे लग रहा है। और दोस्तों, ये एक भाई ने मुझे भेजा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी हार्ड ड्राइव एक भाई को बेच रहा था, तो उनके पास ये मेमोरी कार्ड है। और दोस्तों, ये मुझे लोकल लग रहा है, क्योंकि मुझे इसमें 10th एनिवर्सरी वाला ओपन लोडर डाल के देना है हार्ड ड्राइव के साथ। तो ये मेमोरी कार्ड मैं अपने साथ लेके आया हूँ, और मेरे पास जो एक और 8 MB का मेमोरी कार्ड था वो मैंने भाई को दे दिया है। तो अब ये मुझे लोकल क्यों लग रहा है, और जिस भाई का ये मेमोरी कार्ड है उनका कहना है कि भाई, इसमें बार बार इसका ओपन लोडर करप्ट हो जाता है और हमें R1 दबाकर बूट करना पड़ रहा है बार बार। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेमोरी कार्ड वाकई में लोकल है या नहीं, और मुझे तो लोकल लग ही रहा है। तो ये लोकल क्यों लग रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखना। जैसे कि आप मैं आपको बता रहा था ये मेमोरी कार्ड लोकल है, तो सब में पहली पहचान दोस्तों लोकल की क्या है, तो आप उसका प्रिंट देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हो PS का लोगो कैसा बना हुआ है, और ये लिखावट भी इसकी मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है। और यहीं पर आप इस मेमोरी कार्ड को देखो, और आप तीनों को कंपेयर करने की कोशिश करो। इसका PS एकदम परफेक्ट है, इसका PS एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर डिफेक्ट दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप प्ले स्टेशन भी देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। अब दोस्तों, यहीं पर आप इसका ये वाला जो सोनी का देख रहे हो, ये बिल्कुल हल्का सा उठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप डार्कनेस और अंदर तक गहरा देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके वज़न की, तो ये थोड़ा हल्का है, एकदम हल्की क्वालिटी का है, और ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा भारी है। और अब हम इसको गिरा के देखते हैं, देखो तो थोड़ा आवाज़ का भी डिफरेंस है। अब पीछे साइड हम देखेंगे, तो आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, जहाँ भी अगर आपको ओरिजिनल मिलता है, रिमोट हो या मेमोरी कार्ड, तो यहाँ पर इस टाइप का स्टिकर लगा रहता है N1158 का, लेकिन यहाँ पर इसी तरह का कोई स्टिकर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोरी कार्ड इस तरह से। तो इसमें भी हल्का हल्का टाइप का डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही स्क्रू भी देख लेना चाहिए, तो स्क्रू से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम इसके पीछे साइड देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक स्लॉट टाइप का दिया हुआ है अंदर कटा हुआ, लेकिन इस मेमोरी कार्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इस वाले में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जिस भाई ने मुझे दिया है, तो उनके प्लेस्टेशन 2 में ये इस तरह से लगता भी नहीं है। देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, इसे काफ़ी मुझे फोर्स करना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये प्लेस्टेशन 2 में हमारे 90004 मॉडल में नहीं लग रहा है, ना ही रसीला में ये लग रहा था, मैंने लगा के देखा। तो वो अभी गेम कैसे चला रहे हैं, ये अब जे मेमोरी कार्ड लग ही नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा एक मल्टी टेप रखा हुआ है, और ये मल्टी टेप में ईजिली ये लग जाएगा, ये वाला मेमोरी कार्ड जो कि मुझे लोकल लग रहा था। तो देखिए, इसमें ये इजीली लग जाएगा, ये लग गया। तो वो लोग जो भाई है, वो मल्टी टेप के थ्रू अपना मेमोरी कार्ड बूट करा रहे हैं R1 दबाकर, और रिमोट भी मल्टी टेप से ही चला रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उनको किसी ने प्लेस्टेशन 2 भी सॉफ्टवेयर करा हुआ पकड़ा दिया, और मेमोरी कार्ड भी लोकल दिया है। और दोस्तों, जो गेम डाले हैं पेन ड्राइव में 32 GB का, वो भी काफ़ी महंगा दिया है, और उसमें कुछ गेम हैं काफ़ी अटक रहे हैं और सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों, पेन ड्राइव इस मेमोरी कार्ड में 0.8 का ओपन लोडर डला हुआ है, काफ़ी पुराना वर्जन, तो इसलिए उसकी कुछ जो गेम की मूवी हैं वो भी अटक रही हैं। तो अब वहीं हम इस ओरिजिनल वाले मेमोरी कार्ड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब ये देख सकते हो आप, इजीली एक बार में लग जाएगा कितने हल्के से। चलिए हम 64 MB लगाते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा टाइट लगा लेकिन लग गया। अब हम दोस्तों इसको लगाएंगे, तो ये नहीं लग रहा, देखिए।
अगर आप इसे ज़्यादा तेज पुश कर दोगे तो जो आपका मेमोरी कार्ड वाला स्लॉट है वो टूट सकता है, उसकी पत्तियाँ उखड़ सकती हैं और शोल्डर भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको खोल कर देखते हैं दोस्तों। हालांकि इसमें तीन जो ओपन लोडर बूटेबल मेमोरी कार्ड होता है जिसमें तीन फाइल होती हैं, एमसी बूट, बूट डायरेक्टरी और ओपन लोडर फोल्डर, ओपीएल का फोल्डर होता है। तो दोस्तों इसमें तीनों हैं लेकिन फिर भी हमें R1 दबा के बूट करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम तीनों के स्क्रू खोलेंगे और अंदर का सर्किट बोर्ड को कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर लाइट उजाले टाइप का आपको दिख रहा है। तो जल्दी से मैं इनके तीनों को स्क्रू खोल लेता हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो मैं अकेले बना रहा हूँ और जैसे कि आप जानते हो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और इस संडे मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, यानी दो संडे से मैं कुछ नहीं ख़रीद पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी मैंने रिमोट ख़रीदे थे मार्च वाले, वो मैं उसका वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 64 MB 8 MB ओरिजिनल वाला और ये लोकल वाला दोस्तों, तो ये इस तरह से लग क्यों नहीं रहा है तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लग क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर इसका जो ये साइज़ आप देख रहे हो ये सही से फिनिशिंग नहीं है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम हमेशा लोकल कार्डों में आपको देखने को मिलेगी, या तो वो काफ़ी हार्डली लगेगा नहीं तो लगेगा ही नहीं, जैसे कि आपको इस स्लॉट में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं कहूँगा अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से ज़बरदस्ती अपने मेमोरी कार्ड को ना लगाएं, नहीं तो आप अपना प्लेस्टेशन 2 का ये वाला सेक्शन यानी रिमोट वाला और मेमोरी कार्ड वाला सेक्शन डैमेज कर दोगे, साथ ही आपका जो मेमोरी कार्ड है वो भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये है लोकल वाला मेमोरी कार्ड, तो इसका सर्किट बोर्ड आप देखो और यहाँ पर इसमें जो आईसी लगी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेंट, ऐसे ही नेंट करके कुछ लगी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर फ्यूज़ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पर इसमें किसी वर्जन टाइप का नंबर नहीं डला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल पर भी आप देख सकते हो किसी तरह का नंबर नहीं डला हुआ है। और चलिए पीछे साइड से हम इसका सर्किट बोर्ड देखते हैं, तो कुछ इस टाइप से इसमें प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, फोकस हो गया, तो ये देख सकते हो आप। तो अब यहाँ पर हम दोस्तों देख लीजिए, आप कलर भी कंपेयर कर सकते हो, ये थोड़ा डार्क है और जिसमें क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी जिस भी मेमोरी कार्ड में, तो वो क्वालिटी आपको ओरिजिनल चीज़ की अलग ही दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर M2 इसका यह वर्ज़न डला है 2.1 और इसमें जो है सैमसंग की IC लगी हुई है, प्लस IC जो कि हमारी 8 MB की होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसका क्रिस्टल नंबर नहीं डला, पर यह कार्ड एकदम ओरिजिनल है और परफेक्ट तरीके से काम करता है। यहीं पर हम 64 MB की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये देख लो दोस्तों 64 MB वाले में क्रिस्टल नंबर भी आप देख सकते हो, ये दिख रहा है डला हुआ है। इसमें जो 64 MB की मेमोरी IC लगी है वो हाइनेक्स की है और लगभग सब सेम ही है इसमें, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर भी इसमें देखिए इसका वर्जन नंबर डला हुआ है 2.1 2.0 A करके। तो और पीछे साइड से आप देखो इसमें किसी तरह का कोई प्रिंट नहीं है। तो मेमोरी कार्ड आपको मार्केट में काफ़ी अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाएंगे, पर दोस्तों लोकल कैसा है, तो लोकल यही होगा आपका मेमोरी कार्ड सीधे आपके प्ले स्टेशन में लगेगा नहीं परफेक्टली, उसकी जो आपको उसके बॉक्स पर ध्यान देना चाहिए, उसकी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, बनावट पर ध्यान देना चाहिए लोकल को पहचानने के लिए फ्रेंड्स। और इसकी जो बॉडी है वज़न में भी चेक करना चाहिए, प्लास्टिक की क्वालिटी चेक करना चाहिए, एकदम नरम क्वालिटी का है और यहाँ पर ये थोड़ा हार्ड है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस मेमोरी कार्ड का सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करके यानी बैकअप लेके इस मेमोरी कार्ड को हम फॉर्मेट करने वाले हैं, इस लोकल वाले को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम कॉपी करने वाले हैं 10th एनिवर्सरी वाला ओपन लोडर जो कि हमारे 90004 मॉडल के लिए काफ़ी फास्ट है।
और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो में आप क्या नया देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई हमने कमेंट तो किया पर तुम वीडियो बनाते नहीं हो, तो भाई मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल नहीं है और अभी मेरे पास सुबह का 1 घंटा है, तो ये वीडियो मैं सुबह में शूट कर रहा हूँ 7 बजे के आसपास। और फ्रेंड्स घर में काफ़ी सारे मेरे लोग रहते हैं, यानी मम्मी पापा और छोटे भाई बहन, तो इसलिए वीडियो बन नहीं पाता क्योंकि घर में काफ़ी शोर शराबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। और दोस्तों इसका जो ये वाला प्रॉब्लम है जो इसमें लग नहीं रहा था, इसका भी हम सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में।